बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी तो क्लास टेन आज हमारे पास है क्लास टेन की कंप्यूटर साइंस और इसका है चैप्टर नंबर वन ठीक है जो कि हम लोग देख रहे थे ये हमारे पास है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और इसके अंदर हम पार्ट टू तक हम इसकी मार्किंग कर चुके हैं और आज हमारे पास ये पार्ट थ्री है और अगर आपको इसके दोनों पार्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी चैप्टर नंबर वन की तो आप वो ईज़िली वहाँ से जाके देख सकते हैं तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और लाजमी कर लें वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर दें ठीक है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप ईज़िली देख सकें जी तो क्लास टॉपिक है हमारे पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का ठीक है कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास करेक्टर सेट का जिक्र हुआ है और करेक्टर सेट जो है वो क्या होता है तो इसके लिए हम लोग ये इस पैराग्राफ के अंदर क्या याद करेंगे यहाँ से लेकर ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाब्स यानी कि हर लैंग्वेज का हमारे पास एक अपना एक अल्फ़ाब्स का सेट होता है जिसको हम करेक्टर सेट कहते हैं दैट आर कम्बाइन जो कि जुड़ता है इन अलाउेबल मैनर टू फॉर्म अ वर्ड जो कि आपस में इन वर्ड्स को हम लोग इन अल्फ़ाबेट्स को हम इकट्ठा करते हैं और इसकी वजह से वर्ड्स बनते हैं एंड दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू फॉर्म सेंटेंसेज और ये वर्ड्स क्या करते हैं सेंटेंसेस को जो है वह बनाते हैं ठीक है तो ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक पहले आप लिखेंगे उसके बाद आपने कहना है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर वी हैव अरेक्टर सेट दैट इंक्लूड यानी कि जो हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर जो कैरेक्टर सेट है उसके अंदर आता है जी एल अल्फाबेट्स ए बी एन ये आप टू सो ऑन वाई and जेड yeah, so, ठीक है ए बी से लेकर जेड तक यानी कि सारे अल्फाबेट स्मॉल भी और कैपिटल भी उसके बाद कैरेक्टर सेट जो है वो हमारे पास सी लैंग्वेज में डिजिट्स के फॉर्म में भी होता है जीरो से लेकर नाइन तक उसके बाद स्पेशल सिम्बल्स में भी होता है जैसे ये सारे लिखे हुए हैं ठीक है तो ये हमारे पास character सेट में आपने लिखना है यहाँ से आपने याद करना पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर यहाँ से लेकर फिर ऑनवर्ड आगे पेज हमारे पास है यहाँ पर these alphabet digits and special symbols when कम्बाइन in allowable manner uh, form constant variable and keywords जब ये alphabets digits special characters जो हैं एक allowable manner में uh, combine होते हैं तो ये क्या बनाते हैं constant बनाते हैं variable बनाते हैं और keyword बनाते हैं यहाँ तक आपने इसको याद karna hai ठीक है ये कैरेक्टर सेट के बारे में है ये by पार्ट्स आपको चार नंबर के लिए भी आ सकता है और दो नंबर के लिए जो है वो दो नंबर के लिए आ जाए तो भी आप लिख दें इतना तो कोई मसला नहीं है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी कांस्टेंट का कांस्टेंट क्या होता है डिफाइन कांस्टेंट तो आप ये तीन तरह से ये चार आपको इसके अंदर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और एक सिंगल लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है यानी कि डिफाइन कांस्टेंट आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप तो इस तरह आए तो आप ये तीनों टाइप्स भी लिखेंगे और साथ में डेफिनेशन भी लिखेंगे और अगर शॉर्ट में आए तो डिफाइन कॉन्सटेंट फिर डिफाइन इंटीजियर कॉन्स्टेंट डिफाइन रियल कॉन्सटेंट डिफाइन कैरेक्टर कॉन्सटेंट इस तरह से ये आपको आ सकता है अब ये कॉन्सटेंट होता क्या है कॉन्स्टेंट आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज यानी कि यानीस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो कि चेंज नहीं होती प्रोग्राम प्रोग्राम में जैसे ये फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके फाइव सेवेंटी फाइव सेवन उसके बाद फिफ्टीन हंड्रेड ए टी सी ठीक है फिर आगे आपने लिखना यहां पर लिखा हुआ है ना इन सी लैंग्वेज प्री प्राइमली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं इन सी लैंग्वेज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट ठीक है आप इजी फॉर्म में इजी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि हमारे पास सी लैंग्वेज में हमारे पास थ्री टाइप्स हैं

नजर नहीं आ रहा ऐसे ऐसे वैल्यूज जिसके अंदर आपको पॉइंट नजर डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आता तो वो हमारे पास कौन सी होती हैं इंटीजर इंटीरियर हो, होती हैं ठीक है वो वैल्यूज को हम क्या कहते हैं इंटीजर इंटीरियर कहते हैं अब ये इंटीजर कॉन्स्टेंट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है इफ़ द वैल्यूज इज नॉट प्रोसीड बाय अ साइन अगर हम लोग ये कहें कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं अगर ये साइन के साथ नहीं लिखी होती हैं इट इज कॉन्सिडर एज अ पॉजिटिव और इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं जैसे यहां पे लिखा है वन टू फाइव सिक्स इसके साथ कोई साइन नहीं है इटना मीन्स ये प्लस है इसके बाद है हमारे पास रियल कॉन्स्टेंट ये रियल कॉन्स्टेंट क्या होता है दीज आर वैल्यूज इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट यानी कि ये वो वैल्यूज होती हैं जिनके अंदर हमारे पास पॉइंट डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं थ्री पॉइंट फोटीन पहले ये पॉइंट पहले नहीं आ रहा था इंटीजर कांस्टेंट में आप देखें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट किसी भी नंबर में नहीं है लेकिन यहाँ पे थ्री पॉइंट फोटीन मीन्स यानी कि यहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास रियल कांस्टेंट है ये देखिए फिफ्टीन पॉइंट थ्री 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 ठीक है और इसके अंदर भी पॉइंट आ रहा है सेवेंटी इसमें भी जीरो पॉइंट uh, आ रहा है उसके बाद ये माइनस की वैल्यू हैं इनके अंदर भी आपके पास पॉइंट आ रहा है उसके बाद ये भी माइनस की वैल्यू इसके अंदर भी पॉइंट आ रहा है तो ये हमारे पास कह रहा है कि दे कैन ऑल्सो भी पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसी वैल्यूज़ जो कि हमारे पास जिनके ऐसे नंबर्स जिनके अंदर हमारे पास पॉइंट भी आए और वो बेशक पॉजिटिव हों और नेगेटिव हों वो क्या कहलाती हैं रियल कॉन्सटेंट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट ये क्या होता है ये है हमारे पास एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर यानी कि कोई भी एक सिंगल वैल्यू हो चाहे वो आपके पास ए बी सी डी जो हम लोग लिखते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा हो अपर केस में हो या फिर कोई लेटर हो ठीक है अपर केस लेटर हो या स्मॉल केस लेटर हो डिजिट हो यानी कि कोई नंबर हो पंचुएशन मार्क हो या फिर स्पेशल सिम्बल हो अगर हम उसको इन दो कॉमास के अंदर लिखते हैं तो इसको हम क्या कॉन्सिडर करेंगे ये क्या है कैरेक्टर कॉन्सटेंट है फॉर एग्जाम्पल ये फाइव लिखा हुआ है इसके आस पास आप देखिए एक इधर कॉमा है एक इधर कॉमा है उसके बाद सेवन है एक इधर कॉमा है एक इधर कॉमा है ए है इधर भी कॉमा है इधर भी कॉमा है ये सारे आप देख सकते हैं यानी कि एक सिंगल कॉमा यहाँ पे एक साइड पे इस साइड पे लगाते हैं एक इस साइड पे लगाते हैं और इसके दरम्यान में हम कोई नंबर लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है कैरेक्टर कॉन्सटेंट आई होप कि आपको साथ आपने मार्किंग भी कर ली होगी और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा अगर आपको अच्छे से समझ आए तो मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको इसी तरीके के लेक्चर चाहिए कि जिसमें मैं आपको मार्किंग भी करवाऊं और आपको समझाऊं भी कि ये चीज़ क्या है तो आप मुझे लाजमी बताइएगा ठीक है और फिर इन हम लोग इस तरह से ही लेक्चर अपलोड करेंगे तो इसमें आपने याद क्या करना है कॉन्सटेंट के लिए ये डेफिनेशन है इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट यहाँ पर आपने क्या करना है इंटीरियर कॉन्सटेंट भी आपने कम्प्लीट करना है रियल कॉन्सटेंट भी आपने कम्प्लीट करना है और कैरेक्टर कॉन्सटेंट भी आपने कम्प्लीट करना है आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अब भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो कीप लर्निंग कीप शेयरिंग सीविन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड हाफिज़